कर दूंगा, तो आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपने वॉच टाइम को एक दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम 4000 वॉच टाइम एक दिन में कैसे पूरा करोगे, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर बंद करना है। प्ले स्टोर बंद करने के बाद आप लोगों ने एक VPN डाउनलोड करना है, 1.1.1.1.VPN। इस तरह इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे VPN जब इंटरफेस शो हो जाते तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अभी ये मुझे क्या कह रहा है कि आप डिसकनेक्टेड हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली जो बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, इसको मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, कनेक्टेड यूर DNS रिक्वायर्स एस प्राइवेट एंड फास्टर। अब मेरा जो नेटवर्क है वो प्राइवेट है एंड फास्टर है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि यूट्यूब सर्वर को भी इसका पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा लोकेशन जो है ना अभी पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी आप जिस मुल्क में भी हो उस मुल्क का लोकेशन आप का शो नहीं होगा वहाँ पे। तो आपका लोकेशन कहाँ का शो होगा, आपका लोकेशन मुख्तलिफ कंट्री का शो होगा। इस वजह से यूट्यूब सर्वर को इसका पता नहीं चलता और वो आपके वॉच टाइम को इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड करने है प्ले स्टोर से, ये मैंने डाउनलोड कर दिया आप लोगों के सामने, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरे एप्लीकेशन पर मैं जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने फिर प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर आने के बाद आप लोगों ने एक VPN डाउनलोड करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है मल्टीप्लस ब्राउज़र, ठीक है। मल्टीप्लस ब्राउज़र को डाउनलोड करना है और इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लस ब्राउज़र को आप लोगों ने इंस्टॉल करना और उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, अभी ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे ये आप लोगों से मांग रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने YouTube पे जो लिंक है ना वो यहाँ पे आप डाल दें। तो आप लोगों ने लिंक कॉपी करने से इंसर्ट करने से पहले क्या करना है, जो टॉप लेफ्ट साइड पर आप लोगों को 3 डॉट नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। अब इसका क्या मकसद है, इसका यही मकसद है कि टैब 1, टैब 2, टैब 4, टैब 10, टैब 20, आप 20 स्क्रीन तक अपने एक कोई भी वीडियो को यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से आप अपने YouTube चैनल से किसी भी वीडियो के लिंक को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पेस्ट करें और यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आप कितने स्क्रीन के ऊपर उसको चलाना चाहते हैं। तो जितने आप ज़्यादा स्क्रीन पे चलाओगे उतने आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा और आपका वॉच टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन है ऑटो रिफ्रेश टाइमर। इसका मतलब यही है कि आप कितने मिनट के बाद अपनी वीडियो को दोबारा ऑटो रोटेट करना चाहते हो, ताकि आपको दोबारा उसको क्लिक न करना पड़े। मतलब आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो आप 8 मिनट पे लगाते हो, 9 मिनट पे लगाते हो या 5 मिनट पे लगाते हैं, तो 5 मिनट तक आपकी वीडियो जो है ना चलती रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। ये उसका है। और जो ऑप्शन है सबसे ज़रूरी वो है यूट्यूब। तो मैंने क्या करना है, मैंने यूट्यूब सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर मैंने किसी भी वीडियो को यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने क्या सेलेक्ट करना है। मैंने 10 टैब पे क्लिक किया, ठीक है। 10 टैब पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आगे क्या करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से अपने किसी भी वीडियो का लिंक डाउनलोड कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वीडियो है जिसकी जो है ना 6.7 मिनट की तकरीबन, इसको मैंने क्या करना है, अभी इसी का लिंक मैंने कॉपी करना है। ये मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ मैंने कॉपी लिंक कर दिया। कॉपी लिंक करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है, पेस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा क्या करना है, दोबारा मैंने यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। अब सर्च करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक एड्स आएगा, उस एड्स को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। एड्स देखने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा दोबारा उसी अपनी जगह पे। मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद मैं इधर आ गया हूँ। अभी जो मेरी वीडियो है जो मैंने लिंक कॉपी किया वो मेरी वीडियो ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे शो हो रही है, ठीक है। ये वीडियो मैंने यहाँ पे लगाई है और ये वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं। तो मैंने समझाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने 10 टैब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यूट्यूब सेलेक्ट करना है और वो अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो सिंपली यही तरीक़ाकार है कि आप 10 टैब सेलेक्ट करें, अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। जो भी एड्स लाजमी आएगा उसको आप लोग देख लें, उसको स्किप नहीं करना, और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने सिर्फ एक दिन यूज़ किया है और मैंने इसे 500 वॉच टाइम इंक्रीज़ करवाया है, इसकी वजह से मेरा 500 घंटे वॉच टाइम इंक्रीज़ हुआ।
तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल के थ्रू के आप लोगों ने इंशाल्लाह इसी तरीके से क्या करना है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करने हैं, वीपीएन को भी इंस्टॉल करना है और उसके बाद मल्टीप्लस ब्राउज़र को भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका यही तरीके इस्तेमाल है, आप लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप 20 या 40 स्क्रीन के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्क्रीन होगी उतने आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपको वॉच टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आप एक दिन के अंदर ही अपने 4000 वॉच टाइम इस एप्लीकेशन और इस वीपीएन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।